प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 37 से लेकर 39 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 6000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और सृष्टि रची। 6000 साल पहले यानी प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के 4000 साल पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, धरती को रचा, और परमेश्वर ने एक मनुष्य और उसको एक औरत दी और उनको बगीचे में छोड़ा, और वो उसका नाम था, हम मराठी में उसको आदम कहते हैं, आदम और युवा, अंग्रेजी में कहते हैं एडम और ईव। और ये जो जोड़ी एक मर्द और एक औरत, उनको परमेश्वर ने बगीचे में छोड़ा। बहुत खूबसूरत बगीचा था और वहाँ वो बहुत आनंद में रहते थे। परमेश्वर ने उन्होंने उनको आज्ञा दी थी कि सब पेड़ों का फल आप खा सकते हैं, लेकिन बीच में एक पेड़ है उसका फल मत खाओ। उन्होंने शैतान का सुना, बाद में एक सरपंड आ गए, एक सांप आया, सांप यानी शैतान था, उनको फंसाया, उन्होंने फल खाया और संसार में पहला पाप आ गया। पाप आने के बाद परमेश्वर ने उन दोनों को बगीचे से हटाया, बाहर निकाला और उनको शाप दिया कि अभी से तुम खेत में से फसल खाओगे और पसीना निकाल के अपनी अपना खाना कमाओगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब तक पाप नहीं था मनुष्य का खाना फल था और मनुष्य बगीचे में रहता था, और आदम हर दिन परमेश्वर से बात करता था, ऐसी मनुष्य की स्थिति थी, स्वर्गीय जीवन था। जब पाप आ गया, परमेश्वर ने मनुष्य को हटाया बगीचे से, दोनों बाहर गए, खेत में काम करने लगे, खेत का फसल खाने लगे। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ, जब हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ये अपना सच्चा खाना नहीं है, अपना सच्चा खाना फल है। परमेश्वर ने फल हमारे लिए तैयार किए हैं, लेकिन हम फल नहीं खा सकते, इसलिए हमको चावल गेहूँ खाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बगीचा में रखा था, बगीचा से बाहर निकाला। आज भी हर आदमी के अंदर एक प्यास रहती है बगीचे के लिए। वी वॉन्ट गार्डन, एवरीबडी वॉन्ट्स गार्डन, हर एक को बगीचा अच्छा लगता है। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि पहला आदमी और पहली औरत परमेश्वर ने बगीचे में रखी थी, वहां से परमेश्वर ने हमको हटाया, तब से हमारे दिल में बगीचे में वापिस जाने की भूख है, प्यास है। जब हम बगीचे में जाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से हमको हटाया गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब पाप इस संसार में आया, पाप बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो एक बार परमेश्वर ने आसमान से 40 दिन बारिश डाल के पूरे संसार को डुबाया और केवल एक परिवार को रखा। उस परिवार को अंग्रेजी में कहते नोहास फैमिली, नोहा का परिवार। मुझे लगता है हिंदी में नोहा कहते हैं उसको, मराठी में हम उसको नोहा कहते हैं,
उसके परिवार को और प्राणियों को पक्षियों को परमेश्वर ने रखा, बाकी पूरे संसार को डुबा दिया। फिर नूहा के परिवार से जो लोग और बढ़ गए, फिर लोग बढ़ गए, फिर मनुष्य पाप में चला गया, फिर मनुष्य पापी बन गया। पाप क्या चीज है? परमेश्वर कहता है चोरी नहीं करना, हम चोरी करते हैं। परमेश्वर कहता है मर्डर नहीं करना, हम मर्डर करते हैं, इसको पाप कहते हैं। पाप यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, कानून को तोड़ना, हमारे मन के हिसाब से चलना, परमेश्वर के मन के हिसाब से नहीं चलना। परमेश्वर कहता है रिश्वत नहीं लेना, हम रिश्वत लेते हैं, पाप करते हैं। तो मनुष्य पाप करते गया करते गया करते गया करते गया, और पृथ्वी निर्माण होने के बाद 4000 साल बीत गए। परमेश्वर ने आसमान से देखा, पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। एक बार उसने पूरे संसार को डुबाया था पानी में, 40 दिन 40 रात पानी गिरा के पूरी पृथ्वी डूब गई थी। अभी ये बार परमेश्वर ने दूसरी योजना की, अभी ये बार परमेश्वर ने पृथ्वी को खत्म नहीं किया। वो खत्म कर सकता था लेकिन खत्म नहीं किया। ये बार परमेश्वर ने एक योजना तैयार की, इस बार मैं मनुष्य को बचाने का मौका दूंगा, चांस टू बी सेव्ड, बचाने का मौका। और बचाने का क्या मौका है? हालेलुया, सुनो अच्छी तरह से सुनो, परमेश्वर के मन से आई हुई कल्पना है, परमेश्वर के दिमाग से आई हुई योजना है, किसी मनुष्य ने रची नहीं योजना है, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का खुद का काम है। परमेश्वर ने ऐसी योजना की कि इस संसार में मैं मेरा पुत्र भेजूंगा। अभी परमेश्वर तीन रूप में है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 in 1, ऑल 3 in 1 मेक्स 1 गॉड, तीनों मिला के एक ही परमेश्वर बन जाता है। तो परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, उसने ऐसी कल्पना रची, ऐसी योजना की, मैं मेरे पुत्र को इस संसार में भेजता हूं। वो पुत्र क्या करेगा? वो पुत्र मेरे बारे में संसार को बताएगा, दैट इज प्रीचिंग, उसको प्रवचन कहते हैं। वो मेरे बारे में संसार को बताएगा, मेरी योजनाएं संसार को बताएगा, मेरी कल्पनाएं संसार को बताएगा, मेरे कानून संसार को बताएगा, मेरी आज्ञाएं संसार को बताएगा, दैट इज प्रीचिंग, उसको प्रवचन कहते हैं। फिर मेरा काम वो दिखाएगा, काम क्या है? अच्छा करना, चंगाई देगा, दुष्टात्मा से मुक्ति देगा, अच्छा अच्छा काम वो करेगा। और तीसरी बात वो करेगा, तीसरी बात वो क्या करेगा? पूरे संसार के पापों का दंड जो है वो खुद के शरीर पर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में तीन महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम किया, उसने परमेश्वर पिता का मन जो है लोगों को बताया, उसको हम प्रवचन कहते हैं। प्रवचन ये क्या चीज है? परमेश्वर पिता की जो योजनाएं है, कल्पना है, वो सब बताए यीशु मसीह ने, उसको प्रवचन कहते हैं। दूसरी बात उसने की, उसने अच्छे काम किए। अच्छे काम हम किसको समझते हैं? रास्ता बनाना, कुछ पानी की योजना करना, सोशल वर्क, एजुकेशन, ये सब अच्छा काम समझा जाता है। यीशु मसीह ने कौन से अच्छे काम किए? अंधों को आंखें दिए, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, बीमारियों को चंगाई दी, और मरे हुए आदमी को जिंदा किया। ऐसे अच्छे काम यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। तो पहला काम उसने किया, परमेश्वर पिता की योजनाओं को लोगों को बताया, संसार को बताया परमेश्वर है कौन, उसकी योजना क्या है, मनुष्य को क्यों निर्माण किया है, इस संसार का आखिरी दिन कभी है और क्या हो जाएगा इस संसार का, सब बातें यीशु मसीह ने बताई, उसको हम प्रवचन कहते हैं। दूसरी चीज उसने की, लोगों को चंगाई दी, दुष्टात्मा से मुक्ति दी। लेकिन तीसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसने क्या किया? संसार के हर आदमी के पाप का दंड अपने खुद के शरीर पे लिया। हालेलुया, उसको ही हम उद्धार कहते हैं। उद्धार अंग्रेजी में कहते हैं सैल्वेशन, मराठी में कहते हैं तारण। उद्धार यानी हमको बचाना,
हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने खुद के शरीर पर लिया है, इसलिए हमें पापों का दंड होगा नहीं। हम पापों के दंड से बचते हैं, हम नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा दंड जो है यीशु ने पहले ही लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पाप का नतीजा क्या है? पाप का नतीजा दो महत्वपूर्ण नतीजे है। पहला नतीजा है बीमारी या दुख, दूसरा नतीजा है नरक में जाना। जो आदमी पाप करता है उसको दो चीजों को सामना करना पड़ता है, एक है बीमारी या दुख और दूसरा है मरने के बाद नरक। लेकिन हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने लिया है, इसीलिए ना हमें बीमारी छू सकती है, ना हम नरक में जाएंगे, हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी योजना परमेश्वर की ऐसी है, मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा, वो पुत्र मेरी कल्पनाएं, मेरी योजना, मेरी आज्ञाएं लोगों को बताएगा, वो पुत्र संसार को अच्छी कामें दिखाएगा, और वो मेरा पुत्र संसार के पापों के लिए अपना बलिदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आदमी कैसा बच सकता है? परमेश्वर पिता कहता है, इस मेरे पुत्र पर विश्वास करने वालों को मैं स्वर्ग में लूंगा। हालेलुया। जो मेरे पुत्र को स्वीकारेगा उसको मैं गोद में लूंगा, और मेरे गोद से उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे गोद से उसको कोई भी छीन नहीं सकता है, वो मेरे गोद में आएगा, यानी उसको मेरा प्यार मिलेगा, उसको मेरा मोहब्बत मिलेगा, वो मेरे प्रेम में रहेगा। कौन मेरे प्रेम में रहेगा? जो मेरे पुत्र को स्वीकारेगा, पुत्र के काम को स्वीकारेगा, वो मेरे गोद में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, पहले बार परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट किया बारिश डाल के। परमेश्वर ने नुहा के समय बाढ़ लाया और पूरे धरती को डुबाया। जब पाप बढ़ गया, परमेश्वर ने धरती को डुबाया। दोबारा दूसरे बार परमेश्वर ने डुबाया नहीं धरती को, मौका दिया बचने का। हालेलुया, मौका दिया बचने का। तुम्हें उनको बचना है, मेरे पुत्र पर विश्वास रखो। तुमको बचना है, मेरे पुत्र पर विश्वास रखो। नहीं बचना चाहते हैं, आपकी मर्जी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, मैं पापी हूं, लेकिन मैं जब यीशु मसीह को स्वीकारता हूं तो मेरे पापों की मुझे क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है, पापों का दंड उसे लेना नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। पापों के दंड से वो आदमी बचता है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने दुनिया के लोगों को बचने का मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जो वचन हमने लिया है आज, वो वचन में उस वचन के पास में आता हूं। ये जो मैंने बताया सब वो पार्श्वभूमि थी, बैकग्राउंड थी। अभी वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर पिता जब हमें प्यार करता है, हमारे ऊपर प्यार करता है यीशु मसीह के द्वारा, तब वो प्यार जो है इतना पक्का है, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वीकारता है, तब उस प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब हमें स्वीकारता है, सीधा नहीं, सीधा नहीं, बीच में यीशु मसीह है, उसका पुत्र है, उसके पुत्र के द्वारा जब वो हमें स्वीकारता है, तब वो उसका प्यार जो है कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है। क्या नहीं तोड़ सकता है, उसकी एक बड़ी लिस्ट दी है इस वचन में, एक बड़ी लिस्ट दी है। पहली चीज क्या नहीं तोड़ सकती है? मौत। मौत भी हो जाए तो भी परमेश्वर पिता का हमसे जो प्यार है टूटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं कि परमेश्वर पिता मुझसे प्यार करता है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन आज मुझे क्या प्यार करता है, इसका मतलब जब मैं मरूंगा तब नहीं करेगा प्यार? नहीं, मैं मरूंगा तो भी वो प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मौत जो है
परमेश्वर पिता से मुझे तोड़ नहीं सकती है। परमेश्वर पिता ने मुझे गोद में लिया है, मैं मरने के बाद गोद से बाहर नहीं जाऊंगा। मरने के बाद मैं गोद से नहीं बाहर जाऊंगा, इसका मतलब मौत जो है परमेश्वर पिता से मुझे तोड़ नहीं सकती है, कैंची लगा के तोड़ नहीं सकती है, मौत कैंची नहीं बन सकती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे आज जैसा प्यार करता है यीशु मसीह के द्वारा, वैसा मरने के बाद भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन, जीवन इसका मतलब ऐसा है, आज मैं 49 साल का हूं, आज मुझे परमेश्वर का प्यार करता है, 10 सालों के बाद क्या वो नहीं करेगा? मैं कितना भी जीऊं, कितना भी जीवित रहूं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और 50 साल, तो भी परमेश्वर पिता का प्यार जो है टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। जीवन कैची नहीं बन सकती। हालेलुया। जिस तरीके से मौत मुझे परमेश्वर पिता से तोड़ नहीं सकती है, उस तरीके से जीवन भी मुझे परमेश्वर पिता से तोड़ नहीं सकता है। मैं और 40 साल जीवित रहूंगा, इसका मतलब मैं परमेश्वर पिता से दूर जाऊंगा? नहीं। जीवन भी कैची नहीं बन सकती है, मौत कैची नहीं बन सकती है। परमेश्वर पिता और मैं जो जुड़ा हूं, हमें तोड़ने वाली मौत ये शक्ति नहीं है, जीवन ही शक्ति नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत, क्या स्वर्गदूत मेरे खिलाफ परमेश्वर के पिता को कुछ बताएंगे और परमेश्वर पिता मुझे छोड़ देगा? हो नहीं सकता है। क्या स्वर्गदूत, जिसे हम दिव्य दूत भी कहते हैं, अंग्रेजी में एंजल्स कहते हैं, एंजल्स, मराठी में हम देवदूत कहते हैं, देवदूत यानी देव के दूत, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर दूत के दूत जो है हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के दूत जो है हमेशा परमेश्वर के साथ रहते हैं, क्या वो दूत मेरे खिलाफ परमेश्वर को कुछ बताएंगे और परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैं मरने के बाद परमेश्वर पिता से नहीं अलग हो सकता हूं, मैं बहुत जीने के बाद भी परमेश्वर पिता से अलग नहीं हो सकता हूं। तीसरी बात, स्वर्ग दूत भी मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ऐसी चीज है वर्तमान में जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? किसी भी चीज, समझो इस संसार की चीज, क्या मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? नहीं। मेरा वर्तमान मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस, जो जो चालू काल है, वो समय, जो समय चालू है उसको वर्तमान कहते हैं। क्या वर्तमान मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। क्या भविष्य मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। भविष्य समय जो है, आगे आने वाला समय मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा सामर्थ संसार में है कि जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? नहीं। ऐसी कौन सी भी शक्ति नहीं है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या ऊंचाई मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या मतलब है इसका? क्या ऊंचाई मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? इसका मतलब मैं यहां हूं तो परमेश्वर पिता मुझसे प्यार करता है, मैं आसमान में जाऊं विमान में बैठकर तो परमेश्वर पिता प्यार नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं कितना भी ऊंचा जाऊं, परमेश्वर पिता का प्यार जो है नहीं बदलेगा, वो नहीं टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब मैं विमान में बैठता हूं, जब जब मैं विमान में बैठता हूं, मैं आसमान में हूं, मैं सोचता हूं मेरा क्या हो जाएगा, विमान नीचे गिरेगा तो? कभी भी विमान में टकटक टकटक करता है, विमान नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा? उस वक्त मुझे ये वचन की याद आती है, ऊंचाई भी कितनी भी हो परमेश्वर मुझे छोड़ता नहीं है, कितना भी ऊंचा जाऊं परमेश्वर की गोद से मैं बाहर आता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए ऊंचाई कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए गहराई कुछ नहीं है, ये सब चीजें परमेश्वर ने निर्माण की है,
हालेलुया हालेलुया। हम जब विमान पे देखते हैं हम ऐसे देखते हैं, विमान ऊंचा है ना, हम ऐसे देखते हैं। परमेश्वर जब विमान पर देखता है वो ऐसा देखता है, क्योंकि वो खुद बहुत ऊपर है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या गहराई मुझे परमेश्वर से अलग कर सकती है? इसका मतलब मैं यहां हूं तो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं खुद खुद बहुत गहरा जाऊंगा, कुएं में जाऊंगा और अंदर कहां जाऊंगा तो परमेश्वर के प्यार से दूर हो जाऊंगा? नहीं, जो परमेश्वर मुझे यहां प्रेम करता है वो नीचे जाऊंगा मैं तब भी प्रेम करेगा। हालेलुया हालेलुया। और वचन आगे कहता है, कौन सी भी सृष्टि है, कौन सी भी निर्मित चीज जो है हमें परमेश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कौन सा परमेश्वर का प्यार? भूलना नहीं, परमेश्वर का ऐसा प्यार जो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। सीधा प्यार नहीं, सीधा प्यार टूटने वाला है। हाँ हाँ, मैं क्या बोलता हूं समझ लीजिए, परमेश्वर का सीधा प्यार टूटेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ऐसा है, जो चोर लोग है, जो गुनाहगार है, जो महापापी है, वो आज भी परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेती है, एक दिन वो प्यार टूटेगा, उनको नरक में जाना पड़ेगा। इंसाफ के दिन वही परमेश्वर उनको नरक में भेजेगा, तब वो प्यार टूट जाएगा। आज आप कितने भी पापी हो, आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपको पानी मिलता है, आपको परमेश्वर की आशीष मिलती है, लेकिन इंसाफ के दिन पापी आदमी को नरक में जाना पड़ेगा, वही परमेश्वर के प्यार से वो टूट जाएंगे। परमेश्वर सब मनुष्यों से प्यार करता है, लेकिन कोई लोगों से वो डायरेक्ट प्यार करता है, कोई लोगों से वो यीशु मसीह के द्वारा प्यार करता है। कौन से प्यार की गारंटी है? यीशु मसीह के द्वारा जो प्यार है उसकी गारंटी है। हालेलुया हालेलुया। क्यों क्यों? यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के द्वारा हम जाते नहीं है, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, पाप का जीवन रहता है, परमेश्वर बोलते चले जाओ नरक में। हालेलुया हालेलुया। सो जो आज डायरेक्ट प्यार है परमेश्वर का, बहुत से लोग ले रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन ये प्यार टूट जाएगा। आप चोरी करते हैं, आप परमेश्वर से नहीं डरते हैं, आपको लगता है मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, हर रोज चोरी करता हूं, हर रोज किसी को मारता हूं, मेरा कुछ होता नहीं है। सही है, तुम्हारा कुछ होता नहीं है? सही है, तुम लोगों को मारते हो, तुम्हें डायबिटीज नहीं आता है। सही है, तुम लोगों को मारते हो, तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं आता है। सही है, तुम लोगों को मारते हो, तुम्हारे पास कार है। सही है, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। लेकिन भूलना नहीं, इंसाफ के दिन परमेश्वर कहेगा नरक में चले जाओ। इंसाफ के दिन परमेश्वर कहेगा नरक में चले जाओ, तब वो प्यार टूट जाएगा, तब परमेश्वर के पार प्यार हुए टूट जाएगा। जब परमेश्वर कहेगा नरक में चले जाओ, वो प्यार टूट जाएगा। ये डायरेक्ट प्यार है परमेश्वर का। परमेश्वर सबसे डायरेक्ट प्यार करता है, ये पहली बात है। लेकिन जब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा प्यार करता है, उसकी बात ही अलग है। जब हमें यीशु मसीह के द्वारा पिता का प्यार मिलता है, वो प्यार गारंटीड है, वो टूट नहीं सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है? क्यों नहीं टूट सकता है? जब हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के सामने खड़े रहते हैं, हमारा सब क्लीन रहता है, क्लीन स्वच्छ शुद्ध। क्यों? हमारे पापों को धो डाला गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप नष्ट किए गए हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं, हम सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। पाप नष्ट किए गए हैं, सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं हम।
जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्यार मिलता है वो प्यार कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो प्यार मिलता है हमारे पापों को धो डालता है, हम नीतिमान बनते हैं, परमेश्वर हमेशा हमें स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ लीजिए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारा स्वीकार किया है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर पिता के गोद में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोगों को आज परमेश्वर का प्यार मिल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्यार मिल रहा है, उनका प्यार खत्म हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो अच्छा वर्तन करेंगे तो स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा वर्तन नहीं करेंगे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे बारे में क्या है, हम अच्छा वर्तन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी कुछ गलती होती है, हमारी गलती माफ की जाती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के प्यार का अनुभव कर रहे हैं, वो प्यार कभी भी खत्म न होने वाला प्यार है। कौन सी भी चीज वो प्यार को खत्म नहीं कर सकती है, और हम मरने के बाद भी परमेश्वर के गोद में ही रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, आप आज तक परमेश्वर के प्यार का डायरेक्ट अनुभव ले रहे थे, लेकिन आज आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आओ, वो गारंटेड प्यार हो जाएगा, परमानेंट प्यार हो जाएगा, कोई नहीं तोड़ सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के गोद में जाएंगे, कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपके पाप, आपको पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।